गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल डू द रीडिंग ऑफ द पोएम चाइल्डहुड एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय मार्कस नेटन सो इज द पोएट ऑफ द पोएम मार्कस नेटन सो व्हाट इज़ देयर इन द पोएम द पोएट मार्कस नेटन ही लेमेंस ओवर द लॉस ऑफ हिज इनोसेंस बिकॉज राइट नाउ ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड ही हैज़ ग्रोन अप मार्कस नेटन इस पोएम में शोक व्यक्त करते हैं कि उनकी जो मासूमियत थी बचपन की एक वो अब नहीं रही है क्योंकि उनका बचपन भी चला गया है और इस समय वो बड़े हो गए हैं एंड ही ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट वैन डिड हिज चाइल्ड हुड गो एंड वेयर डिड हिज चाइल्ड हुड गो वो कोशिश करते हैं ट्राई करते हैं इस बात का पता लगाने की कि उनका बचपन किस समय गया कब गया है और किस जगह पर वो चला गया है कहाँ गया सो लेट्स सी हाउ ही ट्राइज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द फर्स्ट एंजर वैन डिड माई चाइल्ड हुड गो मेरा बचपन कब गया वॉज इट द डे आई सीज़ टू बी एलेवन क्या ये वो दिन था जब मेरी लाइफ के ग्यारह वर्ष पूरे होने वाले थे वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन को नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफ़ी क्या ये वो समय था जब मुझे एहसास हुआ हेल एंड ज्योग्राफिकली है ही नहीं है जियोग्राफिकली वो कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है उसको हेल और हेवन के कंसेप्ट सिखा दिए जाते हैं दैट हेवन स्टैंडस फॉर गुड थिंग्स एंड रिवॉर्ड्स कि जो अच्छे काम करता है वो हैवन में जाता है उसको रिवॉर्ड मिलता है एंड हेल्थ स्टैंडस फॉर बैड थिंग्स एंड पनिशमेंट कि जो गलत काम करता है उसको पनिशमेंट मिलती है और वो हेल में चला जाता है नरक में सो so, बच्चा जब बड़ा होता है जियोग्राफिकली स्टडी करना शुरू कर देता है देन ही रियलाइज देट हेल एंड हैवन दे आर नॉट ऑन द जोग्राफी एंड देयर फॉर कुड नाट बी सो कहते हैं जब ज्योग्राफिकली प्रजेंट है ही नहीं है तो इसलिए हेल एंड हेवन हो ही नहीं सकते वो इज दैट द डे जब मुझे एहसास हुआ था कि और हेवन है ही नहीं है क्या यह वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया था सो वट इज़ देर इन नेक्स्ट एंजर वैन डिड माई चाइल्ड हुड गो मेरा बचपन कब गया वॉज ऐट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट अडल्ट वर नाट ऑल द सिम टू बी क्या यह वो समय था जब मुझे एहसास हुआ कि जो हमारे अडल्ट हमसे जो बड़े हैं वर not ऑल द सिम टू बी वो जैसा दिखाई देते थे, थे वो जैसा लगते थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे द talked ऑफ लव एंड preached ऑफ लव वो प्यार की बातें करते थे प्यार को ही आगे प्रीच करते थे प्यार की बातें प्रचार करते थे वो बट डि not एक्ट सो लविंगली वो प्यार की बातें करते थे प्यार को आगे बढ़ाने के लिए भी बात करते थे परंतु वो खुद कभी भी लविंगली एक्ट नहीं करते थे खुद कभी भी लविंगली वो काम कोई भी कार्य नहीं करते थे वॉज दैट द डे क्या ये वो दिन था सो so, इस पैराग्राफ में स्टैंडा में सॉरी जो पोइट है मार्कस नेटन वो ट्राई करते हैं कि उनका चाइल्डहुड कब गया जब उनको असलियत का पता लगा कि जो एडल्ट्स हैं वो जैसा लगते हैं ऐसा नहीं है सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर वैन डिड माई चाइल्डहुड गो वॉज इट वैन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड क्या ये तब था जब मुझे पता लगा कि मेरा जो माइंड है वो असली में मेरा ही है टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़ और जिस भी तरीके से मैं इसको यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ देखिए जनरली क्या होता है छोटा बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं करता है उसकी थिंकिंग जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती है बड़े उसको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम कि आपको ऐसा करना है ऐसा करना है परंतु तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको पता लगता है कि उसका माइंड खुद का अपना है और कुछ भी वो जो सोचना चाहे कुछ भी जो करना चाहे वो कर सकता है प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल मैं ऐसे आइडियाज़ ऐसी सोच पैदा कर सकता था अपने माइंड में जो कि दूसरे लोगों की नहीं थी जैसे बचपन में होता है बड़े हमारी सोच को जो है मॉडिफाई करते हैं डायरेक्ट करते हैं बट माई ओन एंड माइंड अलोन वो आइडियाज़ वो थाट्स मेरे होंगे केवल मेरे खुद के ही अपने वॉज दैट द डे क्या ये वो वही समय था क्या ये वही दिन था सो so, तीनों स्टैंड में क्या हुआ देखिए पहले में हेल एंड हेवन का आया है तो यहां पर जो थीम है पहले स्टैंड में वो क्या है रीजनिंग तो यहां पर जो रीजनिंग काम कर रही है मतलब उनको पता लग गया कि सही और गलत क्या है रैशनलिज्म यू कैन से द एग्जैक्ट थीम इज रैशनलिज्म यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड वट इज देयर इन सेकेंड पैराग्राफ ही हैज कम टू रियलाइज दैट अडल्ट एक्चुअली दे आर नॉट सो एज दे प्रिटेंड टू बी सो द थीम ऑफ द सेकेंड स्टैंडजर इज हिपोक्रेसी पाखंड दिखावा करना एंड थीम ऑफ द थर्ड स्टैंडजर इज़ वट इंडिविजुअलिटी उसको पता लग गया कि मेरी इंडिविजुअल थाट्स हैं मैं अपने आप सोच सकता हूँ सो so तीनों ही स्टैंडर्स में अलग अलग थीम्स रही हैं पहले में रैशनलिज्म है सेकेंड में हिपोक्रेसी है और थर्ड में इंडिविजुअलिटी है सो वट इज़ देयर इन द लास्ट स्टैंडा एंड सी द चेंज तीनों ही स्टैंडर्स में उसने जो बिगनिंग की है पॉइंट में वैन से की है अब लास्ट स्टेंजा में वेयर से स्टार्टिंग की है वेयर डिड माई चाइल्ड हुड गो अब तीनों के स्टेंजस में उनको आंसर नहीं मिला अपना सो हेयर इन दिस स्टेंज ही ट्राइज टू गिव द आंसर ऑफ हिज ऑन क्वेश्चन मेरा बचपन कहाँ गया इट वेंट टू सम फोटन प्लेस ये किसी एक ऐसी जगह पे चला गया जिसको मैं भूल चुका हूँ एक पास्ट के समय में चला गया पास्ट की कोई बात थी जो पुरानी हो चुकी है फोगोटन प्लेस जिसके बारे में अब इसको कुछ भी याद नहीं है दैट सीडन इन एन इन्फेंट्स फेस इन्फेंट छोटा बच्चा होता है दो साल तक का जो उसको इन्फेंट कहते हैं सो so कहते हैं उसका जो बचपन है वो इन्फेंट के फेस के पीछे छुप गया है यानी कि अब उसका इन्फेंट वाला जो टाइम पीरियड था वो जा चुका है और उसका बचपन भी उस टाइम पीरियड के साथ ही जा चुका है दैट्स ऑल आई नो मैं केवल इतना ही जानता हूँ सो इन लास्ट एंड जैद द पोइट ट्राइज टू कंसोल हिम सेल्फ अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश करता है कि मेरा बचपन शायद मेरा जो अडल्ट सॉरी इन्फेंट्स वाला जो एक टाइम पीरियड था उस समय पर ही ख़त्म हो गया है सो द थीम ऑफ द लास्ट एंजर इज़ रियलाइजेशन उसको रियलाइज़ हो गया अपने आप से अब कि माई चाइल्ड हुड इट हैज़ गॉन राइट नाउ सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम चाइल्ड हुड थैंक यू वेरी मच